नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जायसी टेक में। आज की टेक न्यूज़ भी बहुत अच्छी और बहुत गरम गरम है, तो चलिए पहली टेक न्यूज़ की ओर। पहली टेक न्यूज़ आ रही है हुआवे की तरफ से। हुआवे का EMUI जो UI है उनकी 10.1 इंटरनल बीटा अब अवेलेबल है 10 हुआई फोन्स में, आप देख सकते हो लिस्ट। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है इंटेल की तरफ से। इंटेल ने अपना 11th जनरेशन कोर प्रोसेसर निकाल दिया है जो पतले और लाइट लैपटॉप्स के लिए होंगी, और उनके डिटेल्स आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है शाओमी से। उनका नोट 9 प्रो मैक्स अब एक नए वर्जन निकला है उसका, कैंपेन गोल्ड, जो इस कलर की है, आप देख सकते हो सुधांशु अंबुआ ने ट्वीट करके बताया है। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है रियलमी से। रियलमी का रियलमी 6 ब्लास्ट हो चुका है और 5 महीना पहले ही खरीदा था इस आदमी ने, तो देख लीजिए आप। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है ZTE से। ZTE लॉन्च हो गई है चाइना में, उसकी स्पेसिफिकेशंस हमारे पास लीक होकर आ चुकी है। स्क्रीन है 6.92 इंचेस की, 90Hz की रिफ्रेश रेट है और OLED डिस्प्ले है। 64+8+2+2 मेगापिक्सल की बैक कैमरा सेटअप है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल की है, स्नैपड्रैगन 765G, और बैटरी है 4220 mAh की। 30 वाट का चार्जर मिल जाता है आपको, और 6GB+128GB वेरियंट की 2198 युआन की है। बाकी की प्राइस आप देख सकते हो। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है ओप्पो F17 प्रो से। वो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, उसकी स्पेसिफिकेशंस भी है 6.4 इंच की फुल HD डिस्प्ले, और बाकी सारा मैंने स्पेसिफिकेशंस पहले ही बता दिया था अपने पिछले वाले टेक न्यूज़ में, आप देख सकते हो जाके के। और प्राइस जो निकल के आई है बहुत ही कमाल है, 23,000 के लमसम, तो बहुत सही है इस प्राइस रेंज पे। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है एप्पल से। एप्पल ने अपने न्यू एप्पल वॉच के लिए पेटेंट फाइल किया है, जो देख सकते हो आप, ऐसा कुछ साइन का मतलब। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है रेडमी से। रेडमी का ईयरफोन लॉन्च हो चुका है, वो 400 रुपये का लॉन्च हुआ है सही प्राइस में, देख लो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा है। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है ओप्पो रेनो 4Z से, या ओप्पो रेनो लाइट बोल सकते हो, रेनो 4 लाइट। उसकी सेम डिज़ाइन होगी और लगभग एवरीथिंग मतलब सेम ही होगी रियलमी X50 प्रो की तरह ही, और 3 कलर वेरिएंट में होगा। उसका प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 पे रन करेगा वो। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने 5 डेटिंग ऐप्स ब्लॉक कर चुका है, और वो डेटिंग ऐप से टिंडर, ग्रिंडर, टैग, स्काउट, से हाय। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है उबर की तरफ से। उबर अब आप उबर में आप राइड करोगे तो आपसे आपका सेल्फी मांगेगा, और ट्रिप स्टार्ट होने से पहले, कि आपने मास्क पहना हुआ है या नहीं। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है एयरटेल से। एयरटेल अब आपको 2GB की फ्री इंटरनेट डेटा प्रोवाइड करेगा अगर आप अंकल चिप्स, लेज और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कुरकुरे वगैरह परचेस करते हो, तो 10 रुपये का परचेस करोगे तो आपको 1GB मिलेगी, और 20 रुपये का परचेस करोगे तो 2GB मिलेगी। अब उनका क्या कॉन्सेप्ट है आगे पता चल ही जाएगा। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है Redmi Note 10 से। Xiaomi की Redmi Note 10 से उसमें प्रोसेसर हो सकता है कि MediaTek Dimensity 820 की हो। अगली खबर की बात करें तो चाइना में Realme ने लॉन्च कर दिया है अपना सूटकेस, जो कि प्राइस है 299 युआन और डॉलर में $443 की। वो सूटकेस आप देख सकते हो ट्रॉली टाइप का लग रहा है, तो बहुत ही लाइट है, 37 लीटर्स की है। उसकी स्पेसिफिकेशंस में आपको बता दूं कि वो ABS टेक्नोलॉजी मटेरियल के बना हुआ है, और उसका वज़न है 3.1 kg, और उनका कहना है कि वो स्क्रैच रेजिस्टेंट बैग है और वियर रेजिस्टेंट बैग है, मतलब वो फटेगा नहीं, ना ही स्क्रैच पड़ेगी उस पर। और 3 कलर वेरियंट में उन्होंने लॉन्च किया है, ब्लू, येलो और ब्लैक। देखते हैं इंडिया में कब आती है, आती भी है या नहीं। अगली खबर की बात करें तो Xiaomi से आ रही है। Xiaomi ने लॉन्च कर दिया चाइना में अपना मी वॉकी टॉकी लाइट, जो कि प्राइस्ड की गई है 129 युआन पे या 118 डॉलर्स पे। अगली खबर की बात कर रहे हैं तो वो आ रही है ऑनर से। ऑनर
ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं 4th of December में, और देखते हैं क्या क्या लॉन्च करने वाले हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एम करते हैं 50 लाइक, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही टेक न्यूज़ और टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग और कम धमाकेदार वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। अगले वीडियो मिलते हैं, टिल देन कीप स्माइलिंग।